नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबरें। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पर जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई के बाद खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने बुजुर्ग की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सराय गली में कब्जेदारों के 28 मकानों को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, जो कि 30 वर्षों से निवासरत थे। उसमें राका आपराधिक प्रवृत्ति का था, जो कि सरकारी जमीन में अवैध झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मजबूरन कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में उन्हें सोना पड़ा, जिसमें फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। बदिया मोहल्ले में बुजुर्ग के परिजन बुजुर्ग की लाश को अतिक्रमण स्थल पर रखकर प्रशासन का विरोध करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस के गरीबों के मकान को तोड़ दिया गया। गरीबों के मकान तोड़ने से पहले जिला प्रशासन ने उनके रहवास के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की। इस बीच मुख्य विपक्षी दल से कांग्रेस शहर अध्यक्ष मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ जिला प्रशासन का विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष जैन ने आरोप लगाया कि माफिया मुक्त अभियान की आड़ में गरीबों पर अत्याचार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े माफिया इस अभियान से अभी तक बचे हैं। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के कारण आज एक गरीब की मृत्यु हो गई, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। मौके पर पहुंचकर एसडीएम बलवीर रमन ने गरीब परिवार को संतावना देते हुए 10,000 की तत्काल राहत राशि प्रदान की है। मैं इस बल्लभदास अग्रवाल वार्ड की गरीब बस्ती के जो गरीब लोग यहाँ पर 50 वर्षों से ज्यादा समय से निवास करते थे झोपड़ी बना करके, और जिनके पास श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के जमीन के मालकाना हक के पट्टे थे, इन मकानों को बर्बरतापूर्ण कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि ये गरीब व्यक्ति कड़कती ठंड में कहाँ जाएंगे, इनको कोई आश्रय दे दो, इनके रुकने की व्यवस्था कर दो, इनके भोजन की व्यवस्था कर दो, धिक्कार की बात है कि ऐसी निकम्मी सरकार और इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, और रात में कड़कती ठंड के कारण हमारा एक गरीब व्यक्ति मौत के गोद में चला गया। हमें आक्रोश है इस बात का कि ये प्रशासन गरीबों पर अपनी लाठी चलाता है। हिम्मत है तो जाओ डर्बी होटल तोड़ो, क्योंकि वो पैसा देता है इसलिए वहां प्रशासन की हिम्मत काम नहीं करती। जाओ बड़े लोगों का अतिक्रमण तोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीबों के आशियाने पर तुमने अगर जेसीबी चला दी तो कोई राष्ट्रपति पदक नहीं मिल पाएगा, कोई तमगा नहीं मिलेगा। एक गरीब की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये अन्याय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि ये जो मृत्यु हुई है गरीब व्यक्ति की, इसके परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। ये जितने गरीब व्यक्ति हैं, जब तक इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती, इनको रुकने के लिए, ये हमारा सराय नगर निगम का भवन है, यहाँ रुकने की व्यवस्था की जाए, इनके भोजन की व्यवस्था की जाए। निष्ठुर प्रशासन अगर ये नहीं करेगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे शहर में इस बात को लेकर के आंदोलन करेगी। मैं सुबह भोला तिवारी जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण जो स्पष्ट है, काफ़ी दिनों से बीमार थे। 28 तारीख को उनको भर्ती किया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई, और लोगों का कहना है कि उनकी जो ठंड से मृत्यु हो गई या अन्य कारणों से हो गई, तो मृत्यु तो कारण पीएम से स्पष्ट होगा, लेकिन उनको मानवीय तौर पर सहायता के लिए 5,000 रुपये की 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता रेडक्रॉस से दी गई है, और खाने पीने की व्यवस्था अभी तत्काल कराई जा रही है। जिनके मकान तोड़े गए हैं सर, उनकी विस्थापित की व्यवस्था के लिए कल ही मैंने घोषणा की थी कि जो प्रधानमंत्री आवास में पात्र होंगे उनके मामले को उनको फॉर्म बुलाकर उनकी जांच परीक्षण कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो अपराधी तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। सर पट्टे की बात आ रही थी, पट्टे की उन्होंने दिखाया था कहाँ का है, नहीं है, कब जारी हुए, सही पट्टे हैं फर्जी पट्टे हैं, उनकी भी जांच हम मंडे को करा लेंगे, सोमवार को करा लेंगे। और तत्काल तोड़ने से पहले जांच नहीं की गई क्या, किनके क्या पट्टे हैं? किसी भी के पट्टे वैध नहीं है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और अपने सरोकार की हर खबर के लिए आप इंडियन टीवी न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।